आई रिमेम्बर एक बार घर में बंदर आ गए आवाज मतलब अपने आप निकली hey, यार फिर मैंने सोचा कि हाँ यार दिस साउंड लाइक सुनील शेट्टी और थोड़ा उस पर काम करूं तो फिर वो आ गई आवाज hey, ऐसा कभी नहीं सकता ऐसा मैं कभी नहीं दोगा। तुम यार किसका बेस्ट करते हो hey, बबली सुनना आई वोट बी योर लवर बबली आई वोट बी योर मैन प्लीज समझा कर यार डोंट बी अ गर्ल यार प्लीज गोडाफोन का दस रुपए का रिचार्ज ले लो अबे सौ रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम बीस रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम और दस रुपए का कर लिया और किसकी तुम्हें यार बहुत टफ लगता है मलिक साहब पंछियों को आजाद कर दो अल्लाह की रहमत होगी अल्लाह के मखलूक को आजाद करो एक पंछी को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना लेकिन ये बात आप क्या समझोगे उस तो दिन ऑडियंस मतलब रेडी थी बिल्कुल वेट करते करते मतलब रात के ऑलमोस्ट साढ़े नौ दस बज गए अदनान समी वॉज इन द ग्रीन रूम माइक को थोड़ा रिवर्ब पे कराया मैंने ये रुक जाए झुक जाए ओ जानी आवे ओ साथी आवे ओ आवे समझो ना कुछ तो समझो ना आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से हेलो एवरीबॉडी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024 हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आप लोगों ने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमसे कहा कि हम अपने बारे में कुछ बताएं ये वीडियो उसी बारे में है जहां हमने अपने कुछ पैशंस को डिस्कस किया है बहुत मज़ेदार सेशन है आप जिसको मिस नहीं करना चाहेंगे प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए इन्जॉय कीजिए हमें कमेंट्स कीजिए और अगर बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं तो हम एक दिन इसका एक लाइव भी लेकर आएंगे आपके पास दोस्तों पिछले पांच महीने से हमारे कॉन्टेंट को आपने बहुत सराहा एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट पर आज हमने थोड़ी सी मस्ती की और थोड़ी अपनी पर्सनल साइड को आपके सामने रखा है तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है हमने पिछले साल कई सीरियस टॉपिक्स बात करी है पर आज क्योंकि साल का पहला वीक है हम थोड़ा लाइट मूड में हैं आज मैं और हसन साथ हैं और हम बात करने वाले हैं अपने कुछ पैशंस की तो इनमें से एक एट्रीब्यूट जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम दोनों ही पैशनेट हैं वो है मिमिक्री तो क्यों ना हम मिमिक्री से ही स्टार्ट करें मिमिक्री

तो बेसिक जो आपको टैलेंट चाहिए कि यू हैव टू बी अ लिसनर गुड लिसनर हम देखते हैं कि यार इंसान ऑब्जर्व उतना कर नहीं पाता और उससे पहले कोशिश करता है कि यार वो उसी आवाज को या उस अंदाज को रिप्रोड्यूस करे तो पहला जो आपको ट्रेड चाहिए टू बी अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट इज यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर सेकेंड नंबर पे यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ठीक है लिसन तो एक पहला लेवल हो गया कि आपने जस्ट वो चीज सुनी है आपके Uh, कानों को हिट करी ऑब्जर्व आपने किया कि उसके छोटे छोटे जो नुएंसेज होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी आवाज का एक कैरेक्टर होता है वो आपने बिल्कुल अपने अंदर एम्बाइब किया तो तुम्हें ये कब पता चला पहली बार कि तुम ये ऑब्जर्वेंस का जो ट्रेट है वो तुम्हारे अंदर है आई वॉज इन ग्रेड फिफ्थ और उस टाइम पे मतलब ये होता था कि मतलब ये एक माहौल नहीं होता घर पे कि कोई भी गेस्ट आए या कुछ आए तो मम्मी कहती हैं कि अरे हाँ। हमारा राजा बेटा ये करता कर के है डांस करता गारा का है या सिंगिंग करता है हाँ। तो हमारे घर में ये था कि ये मिमिक्री करता है एंड इट ऑल स्टार्टेड ऑफ विथ शक्ति कपूर शक्ति कपूर की जो एक मूवी थी मतलब यही है रहा जो हीरो नंबर वन और कुली नंबर वन और बोल राधा बोल ये सब आई थी मूवीज तो उसमें बोल राधा बोल तो काफी पुरानी थी हाँ तो वो बिल्कुल बचपन की बात है आगे और तभी से एक इंटरेस्ट जागा आई वॉज इन ग्रेड फिफ्थ उस टाइम पे तो उसका एक था लाइक like आओ कल खाएंगे अंडे फिर पाएंगे डंडे परसों आएगा संडे आओ ललिता हाय शक्ति कपूर तो <laughs> I used to do a, like gig like that और उतना मतलब फाइन नहीं था बच्चा था मैं बिल्कुल पतली आवाज और वैसे लेकिन अंदाज मैंने पकड़ लिया था तो अब फिर घर वालों ने हिम्मत बढ़ाई कि नहीं थोड़ा और आध और एक्टर करो तो मैंने भाई अगेंस्ट एज और टाइम उस टाइम का जो था मैंने फिर पकड़ा राजकुमार तो अब राजकुमार की तो काफी डीप और पावरफुल आवाज और उस तरह से वो रहता था तो उसमें अपने अंदाज में छोटा तो था ही में नहीं। नहीं। लेकिन कोशिश करता था मैं कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा वो जगह भी हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी <laughs> तो, <something like> <laughs> तो वो अच्छा चला तो आ, फिर देवानंद एकदम से हुआ हुँ, हुँ, और काफी उस टाइम पे देवानंद की मिमिक्री काफी लोग करते थे हाँ, तो वो मैंने अभी तक करते हैं अभी तक करते हैं और उनके काफी वो डोपल गैंगर्स जो होते हैं तो वो आज भी हैं हाँ उनके एक्सप्रेशंस भी काफी नोटिसेबली हा, हाँ तो ये कुछ उनका अंदाजा हा, है हा, हाँ जॉनी है मेरा नाम चोरी है मेरा काम तुम लोगों को मेरा सलाम आहा सो समथिंग लाइक दैट लेकिन हाँ मतलब मजा आता था वो एरा और आ, काफी यार आ, मैंने तीन चार साल फिर कुछ भी नहीं किया मतलब फिर आई वॉज इन टू स्टडीज और अकेडमिक्स और वो सब लेकिन स्कूल टाइम में मुझे याद है तुम सनी देओल बहुत अच्छा करते थे <laughs> तो सनी देओल का मुझे बताओ कि वो कैसे पकड़ा तुमने आ, यार सनी देओल फ्रेंकली स्पीकिंग जस्ट अच्छा आ, मतलब ये तीन आवाज़ें मैं करता था सिर्फ जो अभी मैंने की उसके बाद ये था कि एक लल था कुछ सालों का और फिर एक बार मैं ऐसी सुबह उठा और थोड़ा सा मतलब आई वॉज़ फीलिंग डिजी सर घूम रहा था कुछ वो था तो मतलब एक सुबह ऐसी रैंडमली शायद क्लास एट्थ में मैं रहा हूँ तो उसमें मैं उठा और मम्मी के पास गया और सर में थोड़ा दर्द हो रहा था कुछ चक्कर से आ रहे थे पता नहीं क्या तो मम्मी के पास मैं गया और मैंने कहा मम्मी मुझे चाय दे दिए तो अब वो मैंने बोल तो दिया लेकिन एक दो मिनट बाद मुझे लगा कि यार ये कुछ सुना सुना सा है ये टोन हाँ ये क्या हो रहा है मतलब मामला तो फिर आ, मैंने उस चीज को पकड़ा और एक दो बार और किया खुद हाँ। से कि मम्मी मुझे चाय चाहिए मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैंने कहा यार ये दिस इज समथिंग लाइक साउंडिंग लाइक सनी देओल <laughs> तो फिर उसको और थोड़ा सा एक लेवल और डेवलप किया तो उसके मूवी आई आई थी <laughs> <I remember. laughs> तो उसके उसमें ने। इन जैसे औजार बाजार में बहुत बिकते हैं <laughs> लेकिन इनसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए वो किसी बाजार में नहीं बिकता मर्द उसे लेकर पैदा होता है ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उठता नहीं है उठ जाता है <laughs> तो बिल्कुल ही ये समझ लो कि समा गया था जैसे हाँ, मेरे अंदर हाँ, मुझे याद है। तो इतनी बार सात आठ सौ बार एक ही मूवी दामिनी देखी गई उसके डायलॉग्स देखे गए बैक टू बैक बैक टू बैक और फिर वो आवाज मतलब परफेक्ट हो गई तो मैंने ये देखा कि कुछ आवाजें हमें अपनी लाइफ की एक्टिविटीज और उससे आ जाती हैं बैठे बैठा अब जैसे एक बार मेरा पेट खराब था तो पेट में दर्द हुआ अरे बहुत दर्द हो रहा है अरे यार तो मैंने कहा यार ये कुछ टेक्सचर कुछ मिलता जुलता है किसी चीज़ से। और जब थोड़ा सा और इसमें एक लेवल डीप गया, तो मैंने कहा ये दिस इज़ साउंडिंग लाइक कुलभूषण खरबंदा अच्छा तो हाँ तो इट गोज लाइक अरे वीना कहा मर गई <laughs> अरे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है थोड़ा तेल लिया तो जो अभी मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर में उन्होंने किया एक एक छोटा सा तो वो मतलब क्या होता है ना हम अपने नॉर्मल सेल्फ से जब थोड़ा सा हटते हैं और सिचुएशंस ऐसे आती हैं आपके सामने कोई आ गई तो आप कभी डर के फॉर्म में कभी बहुत ज्यादा मतलब एनिमेटेड आप होते हो तो अलग ही टोनलिटी आवाज की निकलती है आई रिमेंबर एक बार घर में बंदर आ गए अच्छा मतलब आंगन हमारा खुला हुआ है तो ऊपर से और वो मतलब फ्रिज खोल के और खूब अपना जितने भी फल थे वो ले जा रहे थे अब मैं मैंने दरवाजा खोला एंड लिटिल डिड लिटिलो के वो बाहरी बंदर बंदर हुए। तो खोलते ही अब मैं बच्चा था मैं डर गया एकदम तो आवाज मतलब अपने आप निकली कैसे हाँ। हाँ, हो गया मतलब कभी मैंने मतलब कोशिश भी नहीं की कॉपी करने की लेकिन हम अपनी जिंदगी में कहीं कहीं पर ऐसी आवाजें डर के मारे या एक्साइटमेंट में निकालते हैं तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार दिस साउंड्स लाइक सुनील शेट्टी और थोड़ा उस पर काम करूं तो फिर वो आ गई आवाज ऐसा ऐसा तो तो वो चीज उसमें रही लेकिन हाँ मतलब मजा आता है और इसमें मतलब आप वन थिंग लीड्स टू दी अदर एक आवाज आपको आई फिर आप उसी सेट पे कोशिश करते हैं देखो ट्रेडिशनली ना मिमिक्री जब शुरू हुई तो पहले के दौर के कुछ बड़े ही कल्ट मिमिक्री कैरेक्टर्स थे जो लोग ज्यादातर किया करते थे उनमें से तुम आ, किस किस को तुमने पकड़ा पुरानों में यार आ, ओम प्रकाश जो अमिताभ बच्चन के दद्दू बन आते हैं माँ ओ भैया मुझे घर जाने दे मुझे घर जाना है अगर वक्त पर मैं घर नहीं पहुंचा <laughs> तो लाजवंती मुझे चप्पने मार मार के मार मार के बुरा हाल कर देगी ओ बचा ले भगवान <laughs> फिर दादा मुनि अशोक कुमार साहब अरे बेटे अरे रेल गाड़ी अरे रेल गाड़ी रेल गाड़ी चुक 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 अरे आने वाला स्टेशन बोले रुक 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 रुक, रुक 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 अरे रेल गाड़ी एग्जॉस्टेड सा उनका एक हाँ हा। मतलब काफी कोई अगर वो बात कहते हैं अरे अरे बेटे अरे आज जा तू तो याद है तो वो एकदम से आवाज एग्जॉस्ट हो रही हो यार हमारी व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए अशोक कुमार साहब की आवाज में एक बार बोल दो यार अरे बेटे अरे घर से मैं निकला था बनकर वाडेकर कानित कर आगर कर गावस कर तंदुल कर अरे अब मैं घर जाऊंगा कपड़े फटवाकर हड्डियां हड्डियाँ तुड़वा अरे क्या अच्छा लगेगा अरे हमें सब्सक्राइब कर दे बेटा फिर पुरानों में दिलीप कुमार वॉज दे उनका काफी टिपिकल अंदाज था एंड इट वाज प्री टफ टू ग्रास्प तो लगा हम दो अपनी जुबान को कमाल की बात कट्टी हो तुम भाई हैं लगा हम दे दो चलती ही चली जा रही है जुबान तुम्हारी है कमाल की बात कट्टी हो तुम तो समथिंग लाइक दैट राजू श्रीवास्तव बड़ा अच्छा करते थे उनका बहुत think, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था उन्होंने और उसके अलावा अमिताभ बच्चन आ, पुरानों में हां वो तो मतलब काफी कॉमन है सीरियस उनकी एंग्री यंग मैन वाली जो होती है वो हाँ नहीं वो तो मतलब एक है एंग्री यंग मैन वही देवया oh, सजनों मतलब वो दैट इज प्रीटी कॉमन एक उनका है जो uh, वो कॉमिक टाइमिंग के साथ है जैसे डॉन में को था ना पान खा के हाँ हाँ हाँ। आ खाई के पान बनारस वाला हाँ, हो जाए यार थोड़ा हाँ तो वो लोग जनरली नहीं करते हैं तो गोस लाइक लाइक दिस

और कहीं ये लंबे लंबे पांव आप पे पड़ गए तो क्या होगा पड़ा हो जाएगी वेरी गुड वेरी गुड तो ये फॉर्म मतलब यूजुअली लोग अमिताभ बच्चन का नहीं करते हैं नहीं। लेकिन बेस इसका वही है अह बेस ही आपकी आवाज है और फिर आप उससे स्विच कर रहे हैं अल्टरनेट कर रहे हैं थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करके तो आई लाइक दिस फॉर्म अ लॉट ये बेस तो पुराने में तो धर्मेंद्र साहब के आई थिंक बड़ी प्रबल एक मतलब पुरानों में काफी है मतलब स्टार्ट तो उन्हीं से हुआ जिनके बहुत कॉमन लोग कॉमनली करते थे आई थिंक जॉनी लिवर इनिशियली मुझे लगता है मुझे याद नहीं है कि उनसे पहले किसी ने मेमिक्री एज अ फॉर्म शुरू किया होगा तो उस टाइम पे वो सारे ये पुराने आर्टिस्ट की किया करते थे जॉनी लीवर साहब थे और सुदेश भोसले हम्म 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 बहुत प्रबल मतलब उस टाइम के मेमिक्री आर्टिस्ट थे सुदेश जी तो हाँ, exactly, exactly. तो वो तो उस लेवल तक जाते थे कि अगर कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हुँ, उनकी हु बहु मतलब आवाज फोटोकॉपी कर देना वो उनका एक एट्रीब्यूट होता था हाँ धर्मेंद्र मतलब काफी कॉमन था यार हर कोई शत्रु अमिताभ बच्चन जो वो करते हैं अमिताभ बच्चन मैंने भी पर्सनली नहीं देखा किसी को एक्सेप्ट फॉर सुनील ग्रोवर मतलब उतना अच्छा कोई टच नहीं कर सकता टू बी फे टू दैट गाय शत्र लोग करते हैं अंग्रेजों के ज़माने के जेलर है हाँ। so, वो भी काफी कॉमन है uh, प्राण साहब पुरानों में हाँ। लेकिन कम करते हैं प्राण साहब की बहुत हाँ, करते हैं हाँ। हाँ। बताओ फिर मत कहना माइकल दारू पी कर दंगा करता है तो कुछ इस तरह से नहीं। स्टाइल नहीं। उनका और पुरानों में प्रेम चोपड़ा आए जो है इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए छोड़ दो <laughs> हाँ। वो काफी मजेदार है और संजीव कुमार पुरानों में रोग जगह पर छोड़ दे उसे, mm. मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दू लेकिन क्या करूं मेरे तो खात ही नहीं है तो समथिंग लाइक दैट हाँ तो फिर यार उसके बाद ये हुआ कि एक्टिंग में और सारे बॉलीवुड एक्टर्स में एवोल्यूशन आया और पुराने तो थे ही खैर एक्टर्स लेकिन लोग फ्रेश आवाजें सुनना चाहते थे तो उसमें शाहरुख खान वाज सुपरस्टार सबसे कॉमन अभी भी हैं खैर वो सुपरस्टार हैं लेकिन सुपरस्टार एक्चुअली तो उनकी फिर मैंने ट्राई की और मतलब उनका काफी कॉमन है Uh, हाँ मतलब <laughs> वो उससे स्टार्ट करता है देखो कोई भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट हाँ, होता हाँ. है लेकिन उनका जो एक बेसी आवाज वाला है और थोड़ा सा सीरियस टोन वाला आई एंजॉय मोर मतलब वो दैट इज देर बट जैसे चकदे में उनकी एक बेसी आवाज सीरियसनेस वो डाटा मिनट सत्तर मिनट है आपके पास शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास सत्तर मिनट आज चाहे आप अच्छा खेलें या पूरा हारे अचीते लेकिन ये सत्तर मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता नहीं। तो आइए अपने आप से और हर एक उस इंसान से जिसने आपके सत्तर मिनट छीन लिए ये मौका छीन लिए नश्रुमीन अल्लाह व वफते उन्द कायदा हाँ, तो इसमें हाँ। यार एक्सप्रेशंस का बड़ा काम हाँ। हाँ। है आई थिंक मोर देन द वॉइस मतलब आप जब उसकी रूह में घुस जाते हैं और फिर जो एक कैरेक्टर निकल के आता है जो एक आवाज निकल के आती है तो वो फिर आपको यही सोचना होता है वही सेम पर्सन है क्या यही रीजन है कि जितने भी ये लोकल होते हैं कई लोग मैनरिज्म से लेके एक्सप्रेशन से लेके हाउ भाव जेस्टर्स पोस्टर्स लगभग सब कुछ कॉपी हाँ। कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वही हैं उठते बैठते मूवीज देख रहे हैं तो इतना बसा लेते हैं उनको अपने अंदर कि वो फिर जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो लगता है बिल्कुल वही ये चीज़ है फिर उसके बाद आए आ, आमिर खान खान में ही जब आगे बढ़े तो उनका वही रंगीला और उस तरह का जो फेस था गुलाम तो आयला साला सालापन भूल गया साला गजनी में एक्टिंग किया और जिम गया जिम में प्रोटीन ले जाना भूल गया तो वर्कआउट के बाद प्री वर्कआउट भी लिया किसी का तो दिमाग खराब हो गया दिमाग खराब हो गया <laughs> आमिर जो बेस्ट करता है वो सुमित शिंडे करता है मतलब ही ऑल्सो डब्स फॉर आमिर खान और अभी वो मूवी आई थी यार पीके आ, नहीं पीके के बाद आ, लाल सिंह चड्डा लाल सिंह चड्डा हा, हाँ हाँ लाल सिंह चड्डा तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की थी तो सुमित ने ही की थी एंड वेरी हम्बल गाय वेरी नाइस गाय आई नो हिम पर्सनली तो वो यार यही होता है जब आप एक मेमिक्री आर्टिस्ट होते हैं hmm. और प्रोफेशनली यू एंटर दैट तो आप फिर यू ग्रेजुएट टू बी बींग आर्टिस्ट और फिर आप अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाते हैं यू मेक इट अ प्रोफेशन और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करता है वो hmm. तो फिर तुम, तुम यार किसका बेस्ट करते हो यार फ्रेंकली uh, स्पीकिंग जो मैं समझता हूँ शायद सैफ का अच्छा हाँ क्योंकि जब करता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम दिखते भी थोड़ा उसी की तरह हो और उसी की टाइप की आवाज निकालते हो तो इट गोज लाइक I wanna be your man. Mm -hmm. hey, please समझा कर यार. Mm -hmm. Don't be a girl यार please. Very good. तो ये तुमने इंडियन आइडल में भी किया था इतने. हाँ हाँ, हाँ वो भी किया था. तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे. सैफ हाँ. Safe हम्म हम्म. यार ये टफ बहुत होते हैं कुछ आर्टिस्ट्स का करना आई थिंक सैफ का भी काफी टफ है क्योंकि एकदम से हाई स्केल हाई ऑक्टेव पे और एकदम से फिर लो ऑक्टेव पे तो, तो काफी टफ हो नहीं होता हाँ नहीं टफ होता है मतलब अगर आप उस आवाज की एक रूह होती है जैसे नहीं, नहीं, एक सोल होती है नहीं, नहीं, वहां तक आप पहुंच गए तो तो इट बिकम्स इजी मुश्किल आवाज भी इजी हो जाएगी लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जो जिसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आप आउट ऑफ द वे जाके उसको पकड़ें तो यू हैव टू फील दैट यू आर द सेम एक्टर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इरफान खान mm -hmm. मतलब मुझे सबसे मुश्किल शायद वही एक mm -hmm. आवाज लगी और नेचुरल uh, ना बहुत तो हाँ, पकड़ना बड़ा मुश्किल है मतलब बिल्कुल जैसे एक आम आदमी है उस तरह की आवाज है और उनकी एक्टिंग भी ऐसी होती थी हाँ, हाँ। अगर तुम देखो सच जीनियस के आप उनकी एक्टिंग देखें तो लगेगा अरे यार ये तो हमारे में से ही कोई एक इंसान है एक या, oh, हाँ। yeah, yeah. तो उनकी आवाज भी जैसे <clears throat> महीने की पहली तारीख में हम कैसे शेर बन जाते हैं फ्रिज में चीज भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं और रिजल्ट खत्म अब क्या करोगे एक कबूतरे गले बांध के चिट्ठी भेजोगे हम बताते हैं क्या करें गोडाफोन फोन का दस रुपए का रिचार्ज ले लो अबे सौ रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम बीस रुपए का लिया तो फुल टॉक टाइम और दस रुपए का लिया अबे तो भी फुल टॉक टाइम समझे गोडाफोन फोन का दस रुपए का रिचार्ज ले लो मानो या ना मानो कबूतर महंगा पड़ जाएगा भाई समझे अच्छा पकड़ना आवाज को नसीर साहब करके दिखाओ यार मतलब वही बात है देखो एक तो उनकी आवाज में बेस और वो रू लाना हुँ, हुँ। और वो जो एक हस्की, हस्की टेक्सचर है हस्की भी है यार और जो एक रिफाइंड हा, एक इंसान से आप मिल रहे हैं हा, मतलब हा, हा, हा। जो भाई इतना वेल रेड इतना एक जबरदस्त थिएटर एक्टर झलकता है उनकी आवाज में उनके टेक्सचर में जो मैच्योरिटी है ही, ही, उनकी ही, ही, आवाज ही, की टेक्सचर में जो इमोशंस आते हैं आई थिंक गज़ब या वेरी इंपैक्टफुल हां तो उनका मैं गुस्ताखी करूंगा <laughs> ट्राई करने की <laughs> नहीं हाँ, कुछ होश नहीं रहता कुछ ध्यान नहीं रहता कुछ होश नहीं रहता कुछ ध्यान नहीं रहता इंसान मिमिक्री के चक्कर में इंसान नहीं रहता बहुत अच्छा बहुत अच्छा हाँ, तो बहुत मतलब दिल के करीब है पर्सनली तो आवाज मेरी यार कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी तुम करते हो जहां पर जनरली देखा गया है कि लोग नहीं करते हो आई थिंक इमरान हाशमी सुनी है तुमने जनरली नहीं तो, है ना तो वो आ, मैंने मूवी देखी थी आवारापन और बहुत मुझे अच्छी लगती है वो मूवी ऑल दो शायद इतनी चली नहीं थी बट आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ इंडियन सिनेमा मैं यहाँ तक mm -hmm. गुस्ताखी करूँगा बोलने की mm -hmm. और उसमें एक डायलॉग है इमरान हाशमी mm -hmm. का वो ट्राई करता हूँ yeah, <clears throat> मलिक साहब पंछियों को आज़ाद कर दो अल्लाह की रहमत होगी अल्लाह के मखलूक को आज़ाद करो एक पंछी को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना लेकिन ये बात आप क्या समझोगे मैंने तो मौत को खुद चुना है अपने लिए और आपके लिए वेरी नाइस यार वेरी नाइस यार मैंने देखा है कि नॉर्मली किसी की मिमिक्री सुन के उसको एम्बाइब करना रिलेटिवली इजी होता है फॉर मिमिक्री आर्टिस्ट लेकिन जब इस तरह के कैरेक्टर्स तुम पकड़ते हो जहां पर देखते है हमके जेमेरी जेमेरी हैं हमके जनरली लोग नहीं कर रहे हैं तो वो कितना मुश्किल होता है हाँ नहीं टफ तो होता है और मतलब उसमें वही है कि आप या तो उस एक्टर को फॉलो करें या उसका काम मतलब पसंद करें मूवीज देखें डायलॉग्स को सुने बहुत बार और या फिर इट जस्ट हैपेंस टू यू जैसे अब ऋतिक है ठीक है ऋतिक इज लाइक वन पर्सन मैं कहूंगा जिसने पैटर्न फॉलो किया उस आवाज ने जैसे अमिताभ बच्चन साहब थे एक बेसी वॉइस और एक थोड़ा सा मजेदार वाली और कॉमिक टाइमिंग वाली ऐसी शाहरुख खान दो आवाजें हैं एक थोड़ी सीरियस वाली है और एक वो वाली है ऋतिक रोशन के साथ भी यही हुआ जब कोई मिल गया आई हाँ। तो उसके साथ आए ना मेरे पापा ने बताया हाँ। तो वो सब लोगों ने कॉपी करी हाँ, हाँ। और एक उनकी मतलब वैसी है बेसी और वैसी हाँ, वो बताओ हाँ। I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आई जस्ट लव यू तो उस तरह का जो है एकदम स्टाइलिश हाँ। और वैसा बोन हाँ, हाँ। की आवाज है और उन्हीं के फ्रेंड हैं फरहान साहब तो फरहान अख्तर इज लाइक थोड़ा सा आवाज में हस्कीनेस जैसे ही है, ही ही। खराश पन है थकान, हा, थकान हाँ। है और मतलब एग्जॉस्ट भी है अशोक हाँ। तो हाँ। कुमार वाला हाँ हाँ। तो उसके साथ अगर हाँ। इंसान बात करेगा बताँ बताँ बताँ। आ, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो हु तुम ख्वाबों में अपने बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम तो इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग बात करते करते थकाय और हंसकी भी है हाँ। और गला भी बैठा हुआ <laughs> तो कैसे बात कर समथिंग वेरी गुड तो उसमें मजा आता है काफी <laughs> तो यार क्या ये कंक्लूड करना सेफ है कि ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी अच्छी हैं तो यू कैन स्टिल बिकम अ गुड मेमिक्री आर्टिस्ट नॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट लेकिन उसमें देखो एक टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर एक इंक्लिनेशन होना चाहिए उस पर मेहनत करने का डेवलप करने का एक आवाज हो गई तो और मल्टीपल आवाज करे फिर उनको रिफाइन करे तो अनलेस वो इंटरेस्ट है और वो एक छोटी एज से जनरली स्टार्ट होता है नहीं। नहीं। और फिर वो उसको धीरे धीरे करके नर्चर करें क्योंकि कोई आ, स्कूल नहीं है इसका कोई सेट रूल्स नहीं है It's just that you have that inclination और फिर आप उस आवाज को सुन रहे हैं और अपने दिमाग में बैठा रहे हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन में ये है कि आप एक आवाज को सुने और इतनी बार सुने कि वो आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर हो जाए एक बार वो सेट इन हो जाती है तो फिर वो निकलनी शुरू होती है फिर आप उसको एक

तो so ऑब्जर्वेशन hmm. से आप स्टाइल पकड़ सकते हैं hmm. और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से यू कैन स्टिल बिकम अ गुड मेमिक्री आर्टिस्ट नहीं बिल्कुल बिल्कुल hmm. और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वो तो भी पुरानी कहावत है hmm. और नेचुरली uh, उससे आप uh, अपना ये टैलेंट नर्चर कर सकते हैं प्रैक्टिस कुड मेक विमेन परफेक्ट टू जॉनी लिवर साहब की जो बेटी है hmm. uh, नाम बोल रहा हूँ मैं लेकिन शी इज एन अमेजिंग मेमिक्री आर्टिस्ट हाँ और उसके अलावा श्रद्धा कपूर भी बहुत अच्छा करती हैं कुछ एक्सेंस करती हैं सुगंधा मिश्रा सुगंदा मिश्रा सुगंधा जबरदस्त तो... लता जी के गाने जो हाँ, कुछ बहुत... गाती हैं और आशा जी के और आ, बहुत जबरदस्त कंगना की बहुत अच्छी करती हैं और काफी सारे सिंग फाल्गुनी फाटक की करती हैं तो मतलब ये भी एक एक सेगवे है एक तरह से कि अगर आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और अच्छे आप डायलॉग्स बोलते हैं और यू कैन इमिटेट दैट पर्सन तो आप सिंगर्स की भी कर सकते हैं हुँ, अगर हुँ, थोड़ा आपके वोकल कॉर्ड्स आपका साथ दें और हाँ, थोड़ा सा सुरताल में भी आप अच्छे हैं सुगंधा मिश्रा तो आई थिंक सिंगर ही आई थी हाँ और बहुत अच्छी हाँ, सिंगर हाँ, भी वो है। किसी रियलिटी शो में आई थी और फिर फाइनली वो ये बनी आँ... ऐसे कई लोग इन इन फार, जी। मतलब मुझे क्या क्या कर रखा है उन्होंने तो सिंगर भी है मिमिक्री भी करते हैं सिंगर्स की मिमिक्री भी करते हैं हाँ, हाँ, नहीं सिंगर्स की भी मिमिक्री होती है हुँ, हुँ, हुँ. और आ, मतलब मैं मैंने शायद सबसे पहला वीडियो जो देखा हुँ. उसमें दैट वाज फ्रॉम सोनू निगम जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की वो इंटरनेट पे एक वीडियो है हाँ कई साल पहले एक शो आता था जॉनी आलारे ये जॉनी लिवस का शो था और उस पर सोनू जी आए थे आई रिमेम्बर दिस इज लाइक वे बैक मतलब तब शायद वो रहे होंगे अंडर थर्टी ईयर्स ऑफ एज पता नहीं something लाइक दैट yeah. और क्या इंट्रिकेट मतलब नुएंसेज उन्होंने पकड़े हैं और आवाज मिला दी है yeah. क्योंकि सिंगर्स की जब हम बात करते हैं मिमिक्री की स्पेशली yeah. तो आवाज को मिलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो सोनू जी ही कर सकते हैं बस yeah. नहीं नॉर्मली आप देखिए स्टाइल तो कॉपी हो जाता है जैसे <laughs> मैं भी दो तीन चार लोगों का करता हूँ <laughs> लेकिन आ, वो गला आप सोचिए जिस सिंगर का सालों साल रियाज करके हुँ, और हुँ, कहीं पहुंचा हुआ है हुँ, वो इमीडिएटली इमिटेट करना बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स ठीक है हमारा रियाज भाई हम नॉर्मल लोगों का या, या, या। जनरल मेमिक्री आर्टिस्ट का वहां तक नहीं पहुंच सकता लेकिन सिंगर्स के स्टाइल की बात करते हैं थोड़ी सी तो किसके स्टाइल पकड़े अभी तक देखिए जो इंडियन शास्त्रीय संगीत है जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब तो वहां तक तो खैर आवाज तो पहुंच ही नहीं सकती लेकिन जो वो एरा था जो टोनैलिटी यूज होती थी वो मैं गुस्ताखी करूंगा हाँ, बस please. थोड़ा सुनाने की तो दिन आयो एक उनका अच्छा। गाना था <clears throat> आयो राजा दौलारा शुभा दे नो राज दौलारा शुभा देना आया मंगला शुभा देना आयो दौला आ ऐसे एक और पुराने हैं उस्ताद आमिर खान साहब शायद हाँ हाँ उनका बैजू बाबरा का एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है आ, आए, आजा गावत मन में रोज आ गावत मन में रो के तोरी तो भगवान गावत मन में रो जो के कुछ इस तरह से उनका भी हाँ मतलब बहुत यार वो एरा अगर तुम देखो क्लासिकल्स का जो रहा है अरे सुपर उसका तो खैर मुकाबला ही नहीं है जाम कम हो गया मुझे लगता है यार मतलब कई सिंगर्स करते हैं और मैं मानता हूं कि अगर आपको सिंगिंग लॉन्ग टर्म करनी है तो उसके लिए क्लासिकल बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बिल्कुल तो बट आई मीन आजकल कल तो सभी कुछ चल रहा है <laughs> तो कॉलेज में जब मैं था तो आई होस्टेड एन इवेंट आई टू बी मास्टर ऑफ सेरेमनी तुमने भी कितने इवेंट होस्ट किए और हमने दोनों ने मिलके स्कूल के कॉलेज हाँ। के उस टाइम पे तो वो काफी अच्छा एरा था और खूब मज़ेदार आ, शोज होते थे तो एक इवेंट में अदनान समी वॉज द परफॉर्मर तो वो क्या हुआ कि थोड़ा सा उनका जो ट्रेन थी या बस थी मतलब जिससे भी वो आ रहे थे वो लेट हो गई और उस दिन ऑडियंस मतलब रेडी थी बिल्कुल कॉन्सर्ट लगा हुआ बैनर्स लगे हुए बड़े बड़े नहीं। नहीं। तो वेट करते करते मतलब रात के ऑलमोस्ट साढ़े नौ दस बज गए अच्छा। और अब ऑडियंस जो थी वो जाना स्टार्ट कर दी तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा अरे भाई यू होस्टिंग इवेंट कुछ भी कैसे भी करके ऑडियंस को रोको तो अब मुझे पता चला कि अदनान समी इन द ग्रीन रूम अच्छा। लेकिन आने में उनको पंद्रह मिनट और लगेंगे तो बैक स्टेज में गया और माइक को थोड़ा रिवर्क पे कराया मैंने और उसमें मैं शुरू हो गया Hmm. आस मा जा जाे तेरा चेहरा जब नजर आहे हो, हो, हो तेरा चेहरा जब नजर आहे तो मतलब ओ हो 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 हल्ले गए उसने आ, बिल्कुल मतलब जो ऑडियंस ही गेट तक चली गई थी वो सब हाँ। वापस आई फाइनली तो मुझे लगा कि दिन बैंड मेरी। अगर वो समीजी सुन लेते तो वो भी मेरी कंप्लेन हो जाती हो हाँ। लेकिन यार ब्यूटीफुल आवाज, आवाज है और ऐसी दूसरी आवाज नहीं अमेजिंग टेक्स्टर हाँ मतलब थोड़ा उनका टेक्सचर जो येस्ट इज के सिंगर थे हेमंत कुमार जी हुँ, उनसे हुँ, काफी हुँ, मिलता है बट हाँ मतलब मॉडर्न uh, के ही इज़ वन ऑफ़ द ग्रेस्ट हाँ मतलब एक उनका जो एक सो के उठने वाली जो आवाज है ना वो बिल्कुल ही एक बड़ा अच्छा गाना है उनका हाँ उनका एक बड़ा अच्छा गाना है यार सुन सुन जरा जरा सुंजरा सुन जरा तो बड़ा अच्छा यार करते हैं वो जो सोने वाली आवाज है उनकी हाँ। लेकिन बड़ी मीठी लगती है बहुत ज्यादा अच्छा मीठी आवाज में सबसे मीठी आवाज जो मुझे लगती है वो है सुदेश वाडकर जी की अरे अमेजिंग भाई मतलब सुन के मजा आ जाए मतलब मेरा मानना है कि मतलब पर्सनल लाइफ में भी वो इतने मीठे हाँ, और हाँ। इतनी मतलब गुणी और कहा जाए उनके इंटरव्यू सुनिए आप हां आपको इंटरव्यूज में ही उनकी जो आवाज है जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल आवाज है वो इतनी मीठी सुरीली आवाज है हाँ। तो बड़ा अच्छा वो लगता है तो उनका उनका कोई स्टाइल करते हो क्या वो भी करता हूँ हाँ। ट्राई करूंगा जरूर हाँ, जरूर ज़िंदगी गले लगा ले ज़िंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना ए जिंदगी गले लगा ले नहीं, नहीं। उनका वो भी एक सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है आ, वेरी तो स्वीट, आ, स्वीट, बहुत स्वीट बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते हैं आ, और किसका करते हो तुम आ, फिर जिनका सोनू निगम जी बहुत अच्छा करते हैं उदय जी <laughs> <laughs> उदय जी हाउ कुड वी फॉरगेट साला गाय हम और अवॉर्ड आप ले जाएं ऐसा कैसे होगा सर ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे, दे कहीं, कहीं से अजनबी तू भी कभी, कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूं मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूं तू कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी भी कभी आवाज़ ते कहीं से <laughs> उदित जी का डिमीनर जो है हाँ। वो ऐसा है कि वो रूम में आएंगे या किसी शो में आते हैं और आपका कितना भी मूड खराब हो अपने आप ही आपका मूड बन जाएगा सच अ गलेबुल गाय बहुत अच्छे सीधे डाउन टू अर्थ बहुत मतलब उनके सामने उनकी कितने लोग मिमिक्री करते हैं एंड ही अप्रीशियट नहीं वेरी और उठ के तारीफ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं बहुत तो आई रिमेम्बर इंडियन गया था मैं तो कैलाश जी के सामने और अनु uh, मलिक जी के सामने उनकी हाँ। कर दी थी मिमिक्री <laughs> तो काफी गुस्ताखी की थी मैंने लेकिन हाँ दे वो वेरी स्पोर्टी uh, अनु मलिक जी की एक छोटा सा कर दो यार अच्छा <clears throat> वैसे तो सोनू जी बेस्ट करते हैं वो <clears throat> हाँ वो तो कह रही किंग उसमें इज लाइक देखो बारिश हो रही है ंग एटरिंग एट रेरिंग मेरा दिल रो रहा है माई हारिंग एट पेरिंग एच पेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए देखो बारिश हो रही है तो इट्स मोलाइक यूडलिंग थोड़ा सा उसके कैरेक्टर पर उनके म्यूजिक का जवाब अनु मलिक साहब और हिमेश रेशमिया जी hmm. मतलब क्या म्यूजिक दिया उन्होंने <laughs> मतलब दे हैव प्रोड्यूस्ड जेम्स

और आ, सिर्फ इसके गाने आ, आपके हिमेश जी के वो आई थी तेरे नाम तो उन दोनों के गाने बस उसी एक गाना से तो इतने ज्यादा रूम में घुस गए वो तो बहुत जबरदस्त वो एरा था दोनों का हुँ। हिमेश अगेन लाइक like, uh, उनका भी एक अपना टिपिकल स्टाइल है, नेजल। नेजल है। तो इज लाइक uh, तेरा बने गा वो जो तेरा नहीं है बता क्यों तुझको इतना यकीन है मेरे दिले बेकरार मेरे दिले बेकराराए यही होता प्यार इसमें थोड़ा नेजल और अगर डाल देना तो बिल्कुल उनके जो अगर शुरुआत के गाने देखोगे आ, तो वो बहुत ज्यादा नेजल हुआ करते थे और नाम है तेरा, हाँ, वो वाला। मेरा जो फेवरेट उनका गाना है उस समय का जो नेजल था वो था समझो ना ओ ना कुछ तो समझो आलम तो वो बड़ा अच्छा एक उनका गाना है और एक और है दूर जाइय तो वो भी मुझे बहुत पसंद है नेजल सिंगर्स की यार इंडिया में बहुत एक खास जगह दी हाँ, है इंडियन हाँ मतलब

इन बिल्ट ऑटोट्यू ने उनकी गल फिर नेजल में जैसे आते हैं तो उसमें कुमार शानू बहुत सुप्रियो हाँ विच इज सिनोनिमस तो आ, कुमार शानू साहब का है वो हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तो ब्यूटी है यार आवाज में अपनी ब्यूटी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल आ, उनके बिना तो कोई मूवी पूरी नहीं होती थी किंग किंग तो रहे हैं आ, महेश भट्ट साहब की जो मूवीज थी वो और राहुल रॉय की रूल किया है, है उन्होंने 90s हाँ, को रूल किया हाँ, बिल्कुल आसपास कोई नहीं था उनके हाँ, तो आ, उसके बाद और अगर हम चलें नेजल में लकी अली वो वॉज नेजल सिंगर शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं तो इज लाइक बिल्कुल नेजल और वैसी वॉइस एंड साहब। hmm. हाँ, 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 बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, मतलब कहा जाएगा पूरा घराना था बिल्कुल। एंड सच ब्यूटीफुल नहीं मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता मतलब हाँ. पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो है ठीक है उनके अपने वो है, आप इमेज को देखिए उनके इतने सारे हिट्स हैं मुझे लगता है उनके पास तो रिकॉर्ड्स होंगे अरे भाई जो फैंस है हिमेश जी के तो वो तो भाई कुछ और लाइफ में सुनना ही नहीं चाहता हाँ, 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 हर तरह, का तरह, का तरह गाना वो भाई भाई है आई थिंक दी ओनली सॉन्ग एज फार एज माई नॉलेज गोज पे सोनू जी और हिमेश जी ने साथ काम किया है जो टाइटल सॉन्ग है, तो मतलब हाँ। है अपने का हाँ, तो उसमें जो एक शुरू में आता है ना वो सपने होते हैं और फिर सोनू जी आते हैं अपने तो अपने होते हैं तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वो हाँ। तो वो अच्छा लगता है बहुत गाना भी बहुत अच्छा है वो काफी तो हिमेश बहुत हाई पिच भी गाते हैं बहुत ज्यादा तो बड़ा अच्छा और हाई पिच से याद आया एक सिंगर है कृष्णा <laughs> जो न जाने क्यों उतने पॉपुलर नहीं हुए जिस नहीं। कदर वो टैलेंटेड है तो जैसे तेरा ही करम उन्होंने गाया है या एक वो है तीजा तेरा तीजा तेरा रंग था मैं तो गाया है बहुत, बहुत सुपर मतलब ऑलमोस्ट नुसरत नुसरत साहब वाला जो एक वो है ऑब्बियसली नुसरत साहब इज ऑल टाइम गोट है वो एक तरह से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स लेकिन कृष्णा जो है उनकी आवाज में वो टेक्सचर है तो बड़ा अच्छा वो गाते हैं उनका वो था तेरा ही करम हाँ, इतना हाई जाता है हाँ, तेरा ही करम हाँ, ओ, ओ, गाना ही अलग है वो तो मतलब वो किसी और जोन में ले जाता है तुमको ट्रांस में एकदम बहुत जबरदस्त उसके अलावा एस बाला सुब्रमण्यम हाँ बहुत बड़े सिंगर तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है हाँ, कोशिश करता हूँ मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी चाहे जो हो प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो, दो न हाँ, बड़ा अच्छा उनका वो था बहुत स्वीट उस तरह से वैसी दूसरी आवाज नहीं आई कभी दोबारा नहीं आई वो हाँ। इतनी वर्सिटैलिटी और जितने गाने उन्होंने गाए हैं आई थिंक इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बिल्कुल होंगे उतने बिल्कुल तो, तो इतनी लैंग्वेजेस में और इतने मूड्स के गाने तो वेरी वेरी मौसम तो किस बात की है लड़ाई तू मैं आई तू मैं आई ये सोनू जी बड़ा अच्छा करते हैं अच्छा <laughs> एक और भी करते हैं वो आ, पिया बसंती रे वाला एक आइटम उनका है बड़ा अच्छा हाँ, <laughs> और सुल्तान अली खान साहब हाँ हाँ तो, तो उसमें भी वो एक कभी वो मूड है कि मुंह में रख के लड्डू रख के जैसे वो गाते हैं हाँ, ऐसा कुछ बनाया था हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया था वो तो इस टाइप से था कुछ अच्छा तुम्हें आता है हाँ, वो तो सुना पिया बसंती रे कहीं सताएं आज तूने क्या जादू किया हो पिया बसंती रे कहीं सताएं आज कहीं सताएं आज पिया ही नहीं, <laughs> नहीं बहुत अच्छी मेमोरीज हैं यार उस टाइम की जब ये सब हाँ। गाने आते थे हम सुनते थे तो हम बात कर रहे थे गले से गाने वाले सिंगर्स हाँ, सिंगर हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें आतिफ असलम जो है अब देर मतलब ना नेजल है वो ना दायफ्रिम से गाते हैं आ, उनका एक गाना एक स्टाइल में बताता हूँ हम किस गली जा रहे हैं हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं ओ अपना कोई ठिकाना नहीं ठिकाना नहीं हो ये काफी वो काफी उनका हो रहा हुँ हुँ। आ, तो ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं सिंगर्स के और वो कहते हैं ना कि गले में सरस्वती बैठती हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भाई जिस सिंगर की जिस तरह से बैठ जाएं और वो रियाज करें तो विनोद राठौर साहब अरे उनका मतलब एक उनका भी ये कह रहा रहा है जिस तरह के उन्होंने गाने गाए तो कोई भी पावरफुल इम्पैक्टफुल आवाज जब चाहिए होती थी बैक इन द डे तो तब वो काफी पॉपुलर थे और जैसे उनका एक गाना था देखी नहीं कभी मैंने इसलिए बेखुदी में दीवाना तेरा नाम रख दिया हाँ, नाम रख दियो हा नाम रख दियो तेरा नाम तो शक्तिमान का उन्होंने टाइटल सॉन्ग जो था वो गाया था उस समय <laughs> शक्तिमान शक्तिमान तो उनको पावरफुल जब गाने मिलते थे वो जो होते थे वो उनको दिए जाते थे तो यार बड़ा ही वो स्वीट अरा था बट आज के लिए इतना ही आया हो आपको, आपको इस वीडियो में मजा आया होगा आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आप भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सिंगर्स हैं किन सिंगर्स से आप इंस्पायर होते हैं और अगर आपके कोई चैनल हैं तो प्लीज उसको कमेंट में टैग करिए वी विल ट्राई टू विजिट दो बट अदर देन दैट इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट वीडियो से अगेन वी विल बी बैक विद अनदर टॉपिक विद अ पॉडकास्ट Uh, we will see you there. Until that time, just keep unlocking the 2.0U.